हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रियंका तावर शो। आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं मीठे चावल, इसे जर्दा पुलाव भी कहते हैं। राजस्थान में केसरिया चावल भी कहते हैं। हमारे घर पे जब कोई खास मेहमान आते हैं तो नमकीन चावल और ये वाले मीठे चावल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में घी ले लीजिए, फिर डालेंगे थोड़े नट्स, आलमंड्स, काजू, पिस्ता, खोपरा या सूखा नारियल और किशमिश। नट्स को लो फ्लेम पे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप नट्स अपनी चॉइस का ले सकते हैं, जो भी आपकी किचन में अवेलेबल हो। नट्स रोस्ट हो गए हैं, इसे निकाल लेते हैं। भुने हुए नट्स को साइड रख दीजिए और उसी पैन में अब हम चावल पकाएंगे। थोड़े से लौंग एंड इलायची डालेंगे। मैंने बासमती चावल को 20 मिनट तक भिगो के रखा था, इसका पानी निकाल कर कढ़ाई में डाल देते हैं। अब चावल को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से पुलाव खिला खिला बनता है एंड चावल टूटते भी नहीं है और घी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट, एक कप पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा केसरिया या येलो फूड कलर। केसर को मैंने कूट लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, कलर अभी येलो हुआ है। इसे केसरिया बनाने के लिए मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करूंगी। अब परफेक्ट केसरिया चावल बनेंगे। कवर करके चावल को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। जब तक चावल पक रहे हैं मैं आपको जर्दा पुलाव की हिस्ट्री बताती हूँ। ये रेसिपी एक्चुअली पर्शिया में ओरिजिनेटेड है। पर्शियन लैंग्वेज में जर्द यानी लाइट येलो रंग, इसलिए इसे जर्दा पुलाव कहते हैं। और इस पुलाव में हम येलो रंग या केसर ऐड करते हैं। ये वहाँ की खास मिठाई है जो स्पेशल लोकेशंस जैसे शादी में बनाई जाती है, लेकिन आप इसे कभी भी जब भी मीठा खाने का मन करे बना सकते हैं। चावल चेक करते हैं। ध्यान रखिए, चावल को हमें 75% तक ही पकाना है, तभी हमारा पुलाव खिला खिला बनेगा। ये देखिए, चावल बस टूट से रहे हैं। अब चीनी डालेंगे। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी को हल्का हल्का मिलाएंगे। अब कवर करके 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है, जिससे चावल का कलर और भी सुंदर हो गया है। कवर करके पकाएं जब तक चाशनी सूख न जाए। रोस्टेड मेवे डाल देंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना। गैस बंद करके अब इसे ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा चावल एकदम खिल जाएंगे। तो लीजिए, रेडी है मीठे केसरिया चावल, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। घर पे कोई त्योहार या कुछ मीठा खाने का मन करे तो बनाए ये आसान से मजेदार जर्दा पुलाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब टू अक्षय फूड्स एंड प्लीज बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। एक बार फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।